इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है, आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए, हुई है इस तरह से नहीं चलेगा ये, बिल्कुल तो आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए, हुई है नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप सुन लीजिए, मैं जान करके आप समय पर आकर के सुन रहा था, नहीं आसन आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, और जरा संविधान देख लीजिए, इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं, ये गुस्सा, ये तनाव, ये नोकझोंक, ये सब क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणामों का बिहार की राजनीति में दिखने वाला रिएक्शन है? संविधान का जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी विरोधी नहीं बल्कि बीजेपी के नेता और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा पर ही नाराज हो गए। ये हाउस का चीज नहीं है, इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है, आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए, चलेगा इस तरह से नहीं चलेगा ये, बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। और हम तो ये बात क्यों कहने की आखिर नीतीश कुमार को जरूरत क्यों पड़ी? सदन में बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय में 9 लोगों की हत्या का मुद्दा उठाया। प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव जवाब देने लगे। बीजेपी विधायक अपनी सरकार के मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, तब इसी क्षेत्र से आने वाले स्पीकर भी मंत्री से साफ जवाब चाहने लगे। बार बार सदन में मुद्दा लखीसराय का उठने लगा तो नीतीश कुमार आकर नाराज हो गए। हाउस चला रहे, आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है नहीं? इसके बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने भी आसन को हतोत्साहित न करने वाली चेतावनी दी। आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है, कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है, आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए, चलेगा इस तरह से नहीं चलेगा। JDU और बीजेपी की तकरार के साथ सरकार चलने की कहानियां पहले भी कई आई, अभी लखीसराय में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दोनों आमने सामने आए हैं। सरकार क्या चल रहा है, अभी सुनने में आया है कि विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री में कुटुंब में अद्भुत है, किसकी सरकार है समझ ही भी नहीं आ रहा, कौन चला रहा है समझ में नहीं आ रहा। सरकार में बैठ के एक दूसरे को कोस रहे, लड़ रहे, और इनके वजह से बिहार की जनता हो चुकी है, बर्बाद हो गई है। आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, और जरा संविधान देख लीजिए। विधानसभा के अंदर जिस प्रकार की घटना हुई, यानी कि जिस तरह से वाद विवाद हुआ, उस प्रकार की घटना पहले कभी नहीं हुई थी। अगर ये
उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम का नतीजा है तो भविष्य में एनडीए के लिए ये शुभ संकेत खास तौर पर बिहार में नहीं है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।